हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स गाइस, मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि उत्तराखंड पीसीएस में क्या क्या सिलेबस होता है और कैसे उसको क्रैक किया जाए। तो आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि पीसीएस एग्ज़ाम्स में मैप्स का कितना महत्व है। दोस्तों, अगर आप मैप्स की अच्छे से तैयारी करोगे तो मेरे हिसाब से आपके बहुत सारे सवाल मैपों से ही बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। तो आपके सामने 6 पिक्स आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के धार्मिक स्थल हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब। दोस्तों, केवल ये 6 ही नहीं है, उत्तराखंड एक देवभूमि है, यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। आप इन धार्मिक स्थलों को, उनकी लोकेशंस को मैप में ज़रूर लोकेट कीजिए, इससे संबंधित सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, सो किसी भी मैप में, जैसे उत्तराखंड का मैप है, आप सबसे पहले मैप में क्या देखें कि कितने ज़िले हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड जो है उसमें 13 ज़िले हैं। ठीक है, एक सबसे सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मैप की तैयारी करें। आप एक एक ज़िले को एक एक बार में लेके चलें, इससे आपको डिटेल में उस ज़िले के बारे में मालूम चलेगा। ठीक है, अब जैसे मैं आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ कि बिगिनिंग कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका राज्य है उसके मैप के चारों तरफ कौन कौन से राज्य और देश है उनको लोकेट करिए। देखो, जैसे ये आ गया चाइना। ठीक है, थोड़ा सा आप वेस्ट की तरफ जाओगे, नॉर्थ वेस्ट हिमाचल प्रदेश, ठीक है, छोटा सा पार्ट हरियाणा का, ठीक है, फिर आपका दक्षिण की तरफ में उत्तर प्रदेश और इस साइड में आपका नेपाल। तो पहला चीज़ आप मैप में ये देखें, ठीक है, पड़ोसी राज्य और देश। उसके बाद आप देखो, एक एक जिले को पकड़ के चलो। सबसे पहले आप देखो राजधानी कहाँ है, देहरादून ये जिला है। ठीक है, दिस इज योर कैपिटल देहरादून। ठीक है दोस्तों, देहरादून के जिले में क्या क्या इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लोकेशंस है आप उसको नोटिस करो। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, ऋषिकेश, ठीक है, मुनि की रेती, ओके। देखो आगे बढ़ो, मसूरी, वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट, ओके। अब ये देखो, उसके बाद सहस्त्रधारा उसके बगल में आ गया। आगे बढ़िए, ये देखो क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ये आपने देहरादून जिले के बारे में पढ़ा। आप उसके बाद देखो उत्तरकाशी जिले में चलो, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, यमुनोत्री, ठीक है, चार धामों में से एक यमुनोत्री आ गया, ऊपर हर की दून आ गया, ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आ गया, ठीक है, उसके बाद गंगोत्री आ गया, गौमुख, गौमुख ग्लेशियर जहाँ से माँ का गंगा का उद्गम होता है। ठीक है, बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई गंगोत्री से माँ गंगा का उद्गम है, नहीं दोस्तों, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गौमुख ग्लेशियर से माँ गंगा निकलती है, गंगोत्री से होते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, फिर आप देखिए रुद्रप्रयाग जिले में आइए, केदारनाथ, एज यू कैन सी आपके सामने केदारनाथ है, ठीक है, जहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी आई थी। ठीक, उसके बाद आप आइए टिहरी गढ़वाल, ठीक है, टिहरी गढ़वाल में नई टिहरी, ठीक है, यहाँ पे टिहरी डैम है, टिहरी डैम विलंगना और भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है, एशिया का हाईएस्ट डैम है। ठीक है, और इसके बनने से जो पुरानी टिहरी थी वो जलमग्न हुई, उस वजह से नई टिहरी का निर्माण करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब आइए आप चमोली जिले में, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, चमोली जिले में देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे पंचप्रयाग है, ठीक है, कर्णप्रयाग आपके सामने आ रहा है, नंदप्रयाग। अब ये प्रयाग का है, यहाँ पे नदियों के संगम होते हैं। कौन कौन सी नदियों के संगम है आप इसको जरूर नोट करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, तो इसीलिए उसे नंदप्रयाग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, जैसे औली टूरिस्ट प्लेस, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आप बढ़ो, बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ आ गया, फिर हेमकुंड साहिब आ गया, ठीक है, सिखों का धार्मिक स्थल, ओके, फिर देखो कामेंट, हाइएस्ट पीक, ठीक है, हाईएस्ट नहीं है आपका, वैसे नंदा देवी जो है हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की, लेकिन
ये लोकेशंस आपने अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बाड़ा होती चाइना के बॉर्डर से नज़दीक है तो आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद देखो दूनागिरी नंदा देवी हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड, राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ओके अब ये देखो यहाँ पे ताल देखिए, ओके काग भुशंडी ताल ये रहा। उसके बाद आप देखो यहाँ पे बागेश्वर जिला, ठीक है, ये पिथौरागढ़ जिला, मिलम ग्लेशियर राइट, यहाँ पे नारायण स्वामी आश्रम, इतनी हाइट पे आश्रम, ठीक है, धारचूला, डेढ़ीहाट, पिथौरागढ़, ओके, माँ काली का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कह सकते हो, गंगोली हाट, माँ चामुंडा देवी। उसी प्रकार से चंपावत, ठीक है, चंपावत जिला आपके सामने हरीठा साहिब है, यहाँ पे माँ पुण्यागिरी देवी का मंदिर है, ठीक है। नैनीताल फेमस जिला, टूरिस्ट प्लेस, नैनीताल झील है यहाँ पे, बहुत सारे झील हैं यहाँ पे, आपका कुमाऊँ क्षेत्र का सबसे गहरी झील नकुचिया ताल, ठीक है, आपको मैं लोकेट करता हूँ यहाँ पे, देखो दिस इज योर नकुचिया ताल, हाई मतलब काफ़ी गहरी झील है, नौ कोनों की झील के नाम से भी जाना जाता है। भीमताल वन ऑफ द बिगेस्ट, ठीक है, सात ताल, ठीक है। उधम सिंह नगर जिला, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नानक सागर है, नानक मत्ता, सिखों का धार्मिक स्थल, ठीक है। फिर आप यहाँ बढ़िए, दिस इज़ योर पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल में भी आप लोकेट करो लैंसडाउन, ठीक है, आपके गढ़वाल रेजिमेंट का गढ़ है, ठीक है, लैंसडाउन, यहाँ पे देखो, ठीक है, चीला वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक, हरिद्वार जिला आ गया, हरिद्वार है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो दोस्तों मैपिंग में आपने इतना सब चीज़ पढ़ लिया, इससे रिलेटेड सवाल बहुत सारे आते हैं, ठीक है। मैप में आप कुछ विशेष चीज़ें देखो, सबसे पहले नदियाँ देखो, ठीक है, कौन सी नदी किस जिले से निकल रही है और उसका उद्गम स्थल आप नोट करें, ठीक है। और उसके बाद झील देखिए, जितने भी प्रकार के झील हैं वो कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो कुंड हैं, गर्म पानी के कुंड हो गए, आपके जो ठंडे कुंड हैं उन सबको नोट करो, फाइन। उसके बाद आप यहाँ पे जितने भी अभ्यारण्य हैं, ठीक है, आप उनको लोकेट करो, ओके। उसके बाद जो आपके हाईएस्ट पीक्स हैं उन सबको आप नोट करो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पे, देखो उत्तराखंड का जो हाईएस्ट पीक इज़ योर नंदा देवी 7,817 मीटर, ठीक है। और कुछ इंटरनेशनल जो चीज़ें हैं जैसे आपके फूलों की घाटी हो गया, ठीक है, यू कैन सी ओवर हेयर, देखो फूलों की घाटी हो गया, ये आपके नंदा देवी हो गए, फाइन। तो ये सब चीज़ें आपने इन मैपों से सीखनी है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैप बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत से लोग इसको नेगलेक्ट कर देंगे, मैप से कुछ नहीं आता, लेकिन दोस्तों मैं आपको सरल तरीका बता रहा हूँ, मैप से अगर आप तैयारी करो मेरे हिसाब से आप बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, एंड यू कैन स्कोर वेरी गुड, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों ये था मेरी तरफ से कुछ आपके लिए टिप्स कि आप कैसी तैयारी कर सकते हैं मैथ्स की। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आपको और भी इंफॉर्मेशंस एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।